Tuwa majode Silchar hi bishi biya prefect tushe itabi Silchar de village aro town majode aha jakru le nimide bot ke chulai se publican pralech kuise ki kunba remote areas kanti itabi flood nimide sarka pra relief dia da puncha nai kuigina aro jani paise itabi bishi manudo flood huigina jani mide tai khan nijo laga ko de wapas chawana paragina relief camp de hi thake se Silchar laga situation jani woni media me khan laga reporter deep sakya logo ground report thabo Silchar town pra Assam laga various jagate heavy rainfall hua pisete everywhere flood hoise aro etia ase mokhan borak vilite aro moila pichete kuntu bridge dekhi ase etu altaf setu koi aro etu borak river opote ase aro etia moi etu rani ghat koi kine jagate ase aro itu ase borak vili laga pani laga level jitu karone olop din agete mokhan keneka yate fully destroy korise aro mokhan rani ghat koi kine kuntu jaga ase tate etia ase pohila full yate tak flood thakise etia flood tu olop komti hoise aro jaga jaga khan chuki ase aro ami khan current status hisabte kobo jaise kole borak liverte flood hua pisete keneka challenges ahi ase keneka jaga khan relief government laga relief pahunchise ne pahuncha nai keneka manu khan survive kori ase bishi yate takhan problem face kori ase koise aro common citizen khan moi udi sabo सर यहाँ पर ये तो रानीघाट का ओवर ब्रिज है ये पूरा पानी से भरा हुआ था तो अभी तो थोड़ा निकल गया ये रास्ता भी पूरा भरा हुआ था दो बार आया था दो बार में पब्लिक बहुत परेशान थे लेकिन मैं यहाँ से मेरा 20-25 किलोमीटर आगे मेरा गांव है उस गांव में भी तकरीबन डूबा हुआ है पूरा मतलब जिसका घर ऊँचाई है वो नहीं डूबा तकरीबन डूबा हुआ था लेकिन सरकारी जो रिलीफ आ रहा है जो लास्ट पे जो गांव है उन लोग पहुंच नहीं पा रहा है सरकारी जो रिलीफ है दो बार जो है मिल गया और पहुंच नहीं पा रहा है और सरकारी जो भेजा हुआ सरकार ने सरकारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार ने जो भेजा है रुमांदे सर्वे पार्टी कोई भी वहाँ तो पहुंच नहीं पा रहा है तो गाँव में कुछ ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग है जो एक्चुअली सर्वे मतलब क्या है सर्वे पार्टी में तो सर्वे करना है जहाँ पर प्रॉब्लम है देख के तो करना चाहिए ये क्या में जाना चाहिए। हाँ ग्राउंड में जाना चाहिए ये एक जगह बैठ के स्कूल एक स्कूल है स्कूल में बैठा हुआ है तो वहाँ पे बैठ के तुम्हें कैसे पता चले कौन डूब रहा है कौन ये बचा हुआ है होना चाहिए ना सरकार तो अपना काम कर रहा है लेकिन जो सरकारी पार्टी आ रहा है ये नहीं कर पा रहे ये लोग आजकल क्या है हाँ बैठो चाय पानी पी लिया उसने जो लिस्ट बना के दिया वही मान लेते हैं तो जो सबसिटी एक हॉस्पिटल है जो मैं बता रहा हूँ अपना गांव का नाम है भुवनेश्वर नगर मेरा जो गांव का नाम है भुवनेश्वर नगर यहाँ पर ही है यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है तो वहाँ पर एक सबसिटी है हॉस्पिटल सबसिटी है उसका जो पीछे वाला गांव है अभी भी पानी भरा आप लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ पर तो वहाँ तक तो सरकारी जो एम्प्लॉय आ रहा है वहाँ तक तो नहीं जा रहा है हमारा गाँव में चार लाइन है ये आगे वाला लाइन में आएंगे एक स्कूल है वहाँ पे बैठे हुए तो देख नहीं पाएंगे और कई लोगों को अभी क्या है सरकार अच्छा है इंदिरा आवास मिलना चाहिए कई लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा क्यों सरकार का आदमी पहुँच नहीं पा रहा है ना कई लोग अभी भी मैं झूठ बोल सकता हूँ आप जो सरकार कभी झूठ नहीं बोलते हाँ आप ग्राउंड में जाके तो देखिए ग्राउंड में जाके देखिए गाँव का जो लास्ट में सरकारी हॉस्पिटल है सबसिटी उसका जो पीछे वाला गांव अभी भी पानी में भरा हुआ है किने का मानुकान वन एंड ओनली बोट के होप कोड़ी किने यात्रे थकी आसे और अपनी खान भी देखी से सिलचर तो किने का डिस्ट्रॉय हुए आसे और इने का नेचुरल कैलेमिटीज पूरा डिस्ट्रॉय कोड़ी दिया टाइम तभी मानु पूरा करप्शन करा तो किने का कथा आसे ये तो निजर निजर फील कर भी तो होबो ना लगे परिस्थिति तो सर बहुत खराब है क्योंकि 15-20 दिन से गाड़ी बंद था तो पानी पूरा भर गया था मतलब इंजन डूबा नहीं है और तो क्या ऑफिस भी जाना उना बहुत दिक्कत हुआ वही है देख लीजिए अभी गाड़ी शुद्ध पानी मतलब खाने पीने के पानी का क्या परिस्थिति है नहीं अभी तो पीने का पानी अभी ठीक हो गया करंट आ गया ठीक हो गया करंट आया कितने दिनों से करंट नहीं था करंट 8-10 दिन से नहीं था ये आपका गाड़ी जो देखा इसको क्या क्या नुकसान हुआ है बहुत नुकसान हुआ है नुकसान तो हुआ है मतलब सभी सर्विसिंग कर रहा है मोटा मोटी मोबिल शोबिल चेंज करना पड़ा मोटा मोटी नुकसान हुआ है में मतलब ये पहली बार है ना पहले भी इधर में बाढ़ आया था ऐसा पहले भी आया था मतलब वो कम था ये ज्यादा था इस साल में ये फास्ट है ये 86 जो हुआ है उससे ज्यादा ही इधर का आसपास का कितना एरिया इफेक्ट हुआ सब सब कुछ मिला के सब सब मोटा मोटी कितना सिलचर इलाका पूरा सिलचर इलाका ये कौन सा है भगतपुर
न्यू भगतपुर नेशनल हाईवे न्यू भगतपुर আৰু এইটো নেশ্যনেল হাইৱে নি ভগতপুৰ কোনটো মই কৈছে তাখান কোৱা নিচিনা তাইখান লগা নিজৰ গাড়ী খান এনেকা ইয়াতে থকা পিছতে আজি লগা কাৰেণ্ট ষ্টেজ আছে তাখান এনেকা ঠিক কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু আপুনি খান চাৰাউণ্ডিং হৰ্ণবিল টিভি লগা স্ক্ৰীণতে দেখি আছে কেনেকা গাড়ীখন থোৱা লগাতে এতিয়া অলপ চুকি আছে হলেবি চুকিছে কলেবে ইয়াতে কেনেকা ষ্টেট আছে আছে আৰু তাইখান কৈ আছে 15 days, 20 days পৰা ইয়াতে কাৰেণ্ট থকা নাই অফিচ যাবলৈ পৰা নাই এতিয়া একটা হালতে আহিছে যিটো হালতটো অলপ ভাল হৈছে পহিলাৰ পৰা হলেবি এনেকা শিলচৰতে ৰেইনফল হোৱা পিছতে ফ্লাড হৈছিলে আৰু ফ্লাড হোৱা পিছতে এনেকা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে আৰু নট অনলি শিলচৰ আসাম লগা ভেৰিয়াছ ডিষ্ট্ৰিক্টখনতে এনেকা ফ্লাড এফেক্টেড হোৱা পিছতে এনেকা কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন আছে আৰু মখান শিলচৰ লগা কাটিগড়া কোনটো অলৰেডি হৰ্ণবিল টিভিৰ পৰা টেলিকাষ্ট কৰিছে কেনেকা এতিয়া বি ওৱান এণ্ড অনলি হোপ আছে বোধটো আৰু এতিয়া শিলচৰ টাউনতে কোনটো ভগতপুৰ নেশ্যনেল হাইৱে ওচৰতে মখান খাৰা আছে আৰু চেৰাউণ্ডিং আপুনি খান দেখিব পাৰে এতিয়া বি দোকানখন কোনোবা কোনোবা পানী তলতে আছে এইটো টাইম লাগিব চুখিবলৈ তাখন কোৱা হিচাপে আগতে হৈছিলে হ'লে বি ইটো বাৰ নিচিনা ৱৰ্ষ্ট হোৱা নাই আৰু আমাৰ তোমাৰ কিছুটো ভালা আছে তহঁতৰ ঘৰে মধ্যে জল আছিল প্ৰচুৰ জল আছিল তখন জলের মধ্যে আমরা কিছু রেশন ওশন পাইছি রেশন পাওয়ার মধ্যে আমরা এই রেশন দিয়ে এখন চলতেছি কিছু তখন ঘরের মধ্যে ভিতরে কত কত পরিবার পরিবারের ঘরে আইগেনে বোথ টু ওয়ান এন্ড অনলি হোপ আছে আর ইটু আছে আজি লাগা গ্রাউন্ড রিপোর্ট থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং হর্নবিল টিভি মে হর্নবিল টিভি রিপোর্টার দীপ শইকিয়া ফ্রম শিলচৰ